दोस्तों टाटा IPL 2023 और आज मैच है दोस्तों चेन्नई वर्सेस सनराइजर हैदराबाद। और आज के इस वीडियो में हम लोग ड्रीम इलेवन का प्रिडिक्शन करने वाले हैं या किसी भी आपका फैंटेसी एप्लीकेशन का प्रिडिक्शन कर सकते हो, ठीक है। सेम टीम बनेगी और दोस्तों यहाँ पे एक आपको टीम बना के मैं दूंगा जिसको आप अपने मतलब यहाँ पे कॉन्टेस्ट में यूज कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, आप जो फाइनल टीम है वो मेरे टेलीग्राम चैनल मिलेगा जिसके लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक कर जाएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आपको डेली दोस्तों जैसे ही प्लेयर का अनाउंसमेंट हो जाता है वहाँ पे आपको दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आज के मतलब पाँच मैच की बात होने वाली है वो है दोस्तों इस वाले कॉन्टेस्ट की 49 रुपीज़ एंट्री फीस और यहाँ पे फर्स्ट प्राइस 2 करोड़ रुपया, ठीक है। हम आते हैं हमारी टीम में और यहाँ पे हम एक टीम बनाने वाले हैं जो कि अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ आपको दोस्तों एक नॉर्मल टीम बना के देंगे। दोस्तों जो फाइनल टीम है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो दोस्तों हम डेवन कॉनवे को आज के मैच में लेके चलने वाले हैं। पिछले मैच में काफ़ी अच्छा दोस्तों इन्होंने प्रदर्शन किया था और यहाँ पे दोस्तों देखोगे RCB के खिलाफ भी अच्छा खासा मतलब यहाँ पे रन मारा हुआ है। और हाँ, गुजरात जब 31 मार्च को जब दोस्तों पहला मैच था तो यहाँ पे मतलब ये बहुत ही बेकार चल रहा था, लेकिन हाँ यहाँ पे मतलब जैसे 17 अप्रैल को काफ़ी अच्छा यहाँ पे बताते हैं दोस्तों इन्होंने किया है, ठीक है। तो आज हम डेवन कॉनवे को लेकर चलने वाले हैं चेन्नई की तरफ से और महेंद्र सिंह धोनी को भी लेकर चलने वाले हैं चेन्नई की तरफ से, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हो सकता है आज सनराइजर हैदराबाद मतलब की बॉलिंग तगड़ी हो जाए और मतलब जितने प्लेयर सब आउट हो जाए, 5-6 विकेट गिर जाएंगे तो धोनी आ जाएंगे स्टेडियम में मतलब ठीक खेलने के लिए स्ट्राइक पे। और यहाँ पे बैट्समैन की बात करें तो दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ में जो कि पिछले मैच में दोस्तों बहुत ही बेकार मतलब तुरंत ही आउट हो गए थे, आज के मैच में हम इनको लेकर चलने वाले हैं चेन्नई की तरफ से, ठीक है। सनराइजर हैदराबाद की तरफ से दोस्तों यहाँ पे हैरी ब्रुक हो चुके हैं और मयंक अग्रवाल हो चुके हैं, राहुल त्रिपाठी भी हैं और यहाँ पे दोस्तों ए शर्मा भी हैं और यहाँ पे चेन्नई की तरफ से अजिंक्य रहाणे भी हैं, शिवम दुबे भी हैं यहाँ पे मतलब प्लेयर दोस्तों देखने के लिए मिल रहे हैं आपको। तो हम आज के मैच में दोस्तों अजिंक्य रहाणे को भी लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। शिवम दुबे को नहीं लेंगे या फिर लेंगे इसको बाद में आपको बताऊँगा। तो अभी के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से ले रहे हैं और दोस्तों ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा को लेने वाले हैं और मोइन अली को लेंगे चेन्नई की तरफ से। सनराइजर हैदराबाद तरफ से एडम माकराम हो जाएंगे और एम जनसन भी हो जाएंगे, ठीक है, एम जनसन हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे और तो दोस्तों यहाँ पे एम जनसन ले लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमने इस तरीके से ले लिया है, अब एक प्लेयर और लेना है हमको बॉलिंग में, ठीक है। बॉलिंग में यहाँ पे दोस्तों महेश दीक्षाना भी हैं, भुवनेश्वर कुमार भी हैं, नटराजन भी हैं और यहाँ पे मार्कंडे भी हैं, एस मगाला भी हैं, देश पांडे भी, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे सिर्फ कोई को दोस्तों यहाँ पे लेकर चलने वाले हैं इस तरीके से। तो महेश दीक्षाना को आज के इस मैच में हम नहीं लेने वाले हैं आज के इस प्रिडिक्शन में। भुवनेश्वर कुमार भी हैं और नटराजन भी हैं और यहाँ पे दोस्तों आप चीज़ देखोगे कि यहाँ पे एम मार्कंडे जो कि 2-4 पॉइंट दिए, 48.81% यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑलराउंडर में अगर कुछ चेंजेस होता है वो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। फाइनल टीम ये नहीं है, आपको मैं पहले ही दोस्तों बताता हूँ, फाइनल टीम यहाँ पे आपको ये नहीं मिल रही है, फाइनल टीम आपको चेंज होकर मिलेगी। और यहाँ पे आपको बता दूँ कुछ इस तरीके से प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से टीम बनी हुई है। डेवन कॉनवे, MS धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, मयंक अग्रवाल, हैरी ब्रुक, अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा, मोइन अली और एडम माकराम, एम जनसन, एम मार्कंडे, ठीक है। इस तरीके से टीम बनी हुई है, कुछ आप लोग देख सकते हो, 4 बैटर्स हैं, 4 ऑलराउंडर्स हैं और 2 यहाँ पे विकेट कीपर हैं, 1 बॉलर है, ठीक है। अभी के लिए तो यहाँ पर हम बना दे रहे हैं और विकेट कीपर का बात करें दोस्तों यहाँ पे MS धोनी को हटा देते हैं बॉलिंग में आके, यहाँ पे अभी के लिए दोस्तों भुवनेश्वर कुमार को भी ले लेते हैं या फिर सनराइजर हैदराबाद से, और चेन्नई से दोस्तों बॉलर के लिए हम देशपांडे को ले लेते हैं या फिर हम चेन्नई से महेश दीक्षाना को नहीं लेंगे, देशपांडे को ही ले लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए पथिराना भी हैं, इनको भी आप लोग ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है किसी को भी दोस्तों ले सकते हो। यहाँ पे नटराजन भी हैं और पथिराना हैं और अगर हम देशपांडे को ले लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे अभी के लिए कप्तान हम बना देते हैं दोस्तों आज के इस मैच में, बनाएंगे हम दोस्तों अजिंक्य रहाणे को या फिर रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाते हैं। पिछले मैच में एक विकेट नहीं लिया तो भाई आपकी माँ तो लेना चाहिए। तो और यहाँ पे एम मार्कंडे भी हैं, देशपांडे भी हैं, जनसेन भी हैं, एडम माकराम हैं। तो हम एडम माकराम को आज दोस्तों बनाते हैं वाइस कैप्टन और कैप्टन बना देते दोस्तों आज रविंद्र जडेजा को, ठीक है, रविंद्र जडेजा को। और जो चेंजेस होगा वो आपको दोस्तों चेंज होगा क्योंकि ये फाइनल टीम नहीं है, मैं अभी पहले आपसे बोल दे रहा हूँ, ये एक दोस्तों सिर्फ आपको मैं यहाँ पे सजेशन दे रहा हूँ, ये एक सजेशन टीम है जिसको कि अभी के आप प्लीज जाके बना सकते हो अपने यहाँ पे अपने मतलब यहाँ पे अपनी टीम बना सकते हो इस तरीके से। डेवन कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, मयंक अग्रवाल, हैरी ब्रुक, ऋतुराज गायकवाड़, कप्तान रहेंगे रविंद्र जडेजा, वाइस कप्तान रहेंगे एडम माकराम, मोइन अली, VM जनसेन में, देश पांडे और मार्कंडे, ठीक है। 6 प्लेयर मतलब यहाँ पे चेन्नई तरफ से, 5 प्लेयर सनराइजर हैदराबाद तरफ से, ठीक है। कुछ इस तरीके से प्लेयर का यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, कुछ मेरा टीम इस तरीके से बनाई हुई है।
और दोस्तों जिसमें चेंजेस होगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसमें चेंज नहीं होगा, उसमें पूरा फुल चेंज होगा। जिस भी प्लेयर का अनाउंसमेंट होता है 7:15 पे, तुरंत आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे एक दोस्तों फाइनल टीम देखने को मिल जाएगी, उससे आप जाके दोस्तों थोड़ा मोड़ा सीख सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।